आए हैं और एक आसान अंक वॉरियर्स अरेना के लिए। रोहित राइट कॉर्नर ने आसानी से ब्लॉक किया यहां पे प्रतीक हुडा को। डीएनएच फाउंडेशन ऑल आउट 14-27 का स्कोर। और ये शानदार टीम एफर्ट वॉरियर्स अरेना की तरफ से 14-28 का स्कोर। डीएनएच फाउंडेशन हालांकि अभी भी वापसी कर सकते हैं, 7 मिनट से ज्यादा का समय अभी बाकी है। अभी देखना ये होगा कि डीएनएच फाउंडेशन इस आखिरी 7 मिनटों। विजय रविंदर को बैक होल्ड किया, सोलो टैकल्स वॉरियर अरेना के रोहित के द्वारा। राइट कॉर्नर का शानदार प्रदर्शन, रोहित यहां पर बैक होल्ड करते हुए। और मैं बात कर रहा था इन्हीं युवा खिलाड़ियों की जो हमें नजर आ पे। डीएनएच फाउंडेशन के खिलाड़ी को एक बार फिर से धर दबोचा रोहित ने। राइट कॉर्नर रोहित यहाँ पे फॉर्म में नजर आते हुए डीएनएच फाउंडेशन के अगेंस्ट। यहां लगातार डीएनएच फाउंडेशन अंक गवाती हुई। आकाश यहां रेड पे आए थे, एक बहुत ही आसान अंक चुराया आकाश ने यहां पे गलती डिफेंडर के द्वारा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आप बॉल लाइन के आगे आकर ऐसे टैकल अटेम्प्ट में और 25 अंकों पर हैं आशीष कुमार 52 टैकल अटेम्प्ट में। और एक बार फिर यहां से डीएनएच फाउंडेशन की तरफ से गलती हुई और एक अंक मिला आकाश को और यहां विजय बाहर जाएंगे। एक बार फिर डीएनएच फाउंडेशन मुश्किलों में आखिरी। और यहां पे अंक चुराकर वापस लौटे आकाश। और यहाँ प्रतीक हुडा ने गलती की, एडवांस टैकल पे पढ़ सकते हैं आकाश। और यहाँ पे शानदार 2 अंक चुराया आकाश ने। डीएनएच फाउंडेशन की तरफ से हरदीप ने टैकल करने की कोशिश की, असफल रहे और 2 अंक गंवाना पड़ा यहाँ पर डीएनएच फाउंडेशन को। यहाँ पे 8 और 10 नंबर के जर्सी में मोहित, 3 टैकल पॉइंट्स 4 टैकल अटेम्प्ट्स में। वॉरियर्स अरेना की तरफ से करमबीर ने हासिल किए हैं 8 अंक। और एक बार फिर यहाँ पे हमने देखा आकाश को कि कैसे उन्होंने